नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। मैं यशी मिश्रा और आप सभी का यशी पोट्री ऑफिशियल में स्वागत करते हैं। आइए बढ़ते हैं एक कदम हिंदी की ओर, जो कि हिंदुत्व से विलुप्त होती जा रही है। हिंदी हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है। आइए देखते हैं, एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लोग आसानी से इसे नज़रअंदाज करते हैं, फिर परीक्षाओं में आने के बाद ये सोचते हैं कितने सारे कवि लेखकों के लेखक भरे पड़े हैं, हमारे हिंदी के जनक किसे माना जाता है। ऐसे प्रश्न खास करके TGT, PGT, नेट, JRF, टेट या स्टेट रीट आदि परीक्षाओं में आता है। तो आइए हम एक छोटे से प्रश्नों से सीखते हैं हिंदी के जनक कौन है। तो ये प्रश्न है दोस्तों, हिंदी विषय के पिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पितामह माना जाता है। ये जो कि 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 ईस्वी तक आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, प्रणेता, पिता, नायक, महानायक सभी आदि नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है, क्योंकि हिंदी का उद्भव इन्होंने ही किया। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जैसे कि हम अपने घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी राज्य भाषा, अपनी देश भाषा सिखाने के बजाय हम अंग्रेजी भाषा, हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने लग जाते हैं। और जब वही बच्चा बस इतना जानता है कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, जब अपने जीवन काल में विदेशों में जाए तो वहाँ पर हिंदी बोली जाए, तो उसे सुनकर अचंभित ना हो कि अरे ये तो हमारे देश की भाषा है, ये हमारे राज्य की भाषा है, हमारी राजभाषा है। तो ऐसा अचंभित अपने आप को ना महसूस करें। आइए सीखते हैं हम हिंदी, जो कि अपने जीवन काल में अपने हिंदी को बरकरार रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी विषय की लिपि क्या है। हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक हमने नहीं देखा। अमूमन हम लोग गांवों में पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने हैं, 36, स्वर कितने हैं, 11-13, ऐसे कुछ हैं। गांवों में अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है और ऐसे ही समझा जाता है, लेकिन हम आज बता रहे हैं आपको, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है। ये भी सब लोग जानते हैं हिंदी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवों के द्वारा ये लिपि, हमारे देव भाषा में भी हिंदी बोली जाती थी, हिंदी समझी जाती थी। जैसे कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कितने स्वर कितने व्यंजन हैं आप देख सकते हैं। ये हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें 14 स्वर 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण हैं, जिसमें हम बड़ी री और बड़ी री छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। अमूमन आम बोलचाल की भाषा में, प्राकृतिक भाषा में हम पढ़ते ही नहीं हैं, और इन्हीं दो वर्णों की वजह से हमारा स्वर 14 बन जाता है। आगे देखते हैं, ये आ से ह तक हमारे 14 स्वर और 33 व्यंजन उल्लिखित हैं, जिसमें इन 14 स्वर और 33 व्यंजन को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे 47 वर्ण देवनागरी लिपि में आते हैं। ये देखिए,
दोस्तों आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए पीडीएफ के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, जो कि हमारे जीवन काल में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आगे बढ़ते हैं फिर से एक कदम हिंदी की ओर। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए छोटे छोटे प्रश्नों को देखें, समझें और उसे अपने जीवन काल में उतारें। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।